रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस से पहले लापरवाही सामने आई है। कोर्ट में पेशी पर हत्या का आरोपी फरार हो गया है। पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हुआ है। कोर्ट के आसपास इलाके में पुलिस ने घेराबंदी की है। सबकी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस से पहले लापरवाही सामने आई है। कोर्ट में पेशी पर हत्या का आरोपी फरार हो गया है। इसी खबर तथा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिवम जुड़ गए। जी शिवम, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आईजी और एसपी की एक बड़ी बैठक लेने वाले, समीक्षा बैठक करने वाले, आपराधिक घटनाओं को लेकर के जो है विस्तार से चर्चा की जाएगी। और उसी जो है बैठक के कुछ घंटों पहले अगर बात की जाए तो राजधानी पुलिस की एक बड़ी लापरवाही जो है वे सामने आई है। बता दें कि सीरियल किलर अनुपम झा जो है कल पुलिस को चकमा देकर एक बार फिर फरार होने में जो है सफल हुआ है। बता दें कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित हत्याकांड पंकज बोथरा हत्याकांड का मुख्य आरोपी अनुपम झा, इसके साथ ही जो है साल 2020 में एक नारियल पानी के व्यवसायी को की गोली मारकर जिसने हत्या कर दी थी, वे आरोपी कल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो गए। जिस तरीके से पूरी लापरवाही सामने आई है, इसे साफ समझ आ रहा है कि किस तरीके से रायपुर पुलिस की तैयारियाँ अपराधियों को लेकर के है, किस तरीके से पुलिस सजग है अपराधियों को लेकर के। और ये उसी का नतीजा है कि पुलिस की लापरवाही के सामने आज अपराधी का मास्टर प्लान जो है वो पास हो गया। तो अब पुलिस क्या क्या कोशिश कर रही है शिवम इस आरोपी को ढूंढने के लिए? देखिए, जब ये जानकारी रायपुर पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंची कि जो अनुपम झा है वो कोर्ट में पेशी के दौरान फरार हो गए पुलिस के सिपाहियों को चकमा दे करके, तो जिस तरीके से हड़कंप मचा एक बार पुलिस विभाग में, उसके बाद जो है लगातार आसपास के मुखबिर तंत्रों को जो है पुलिस ने सक्रिय किया कोर्ट के आसपास के, इसके साथ ही आसपास जो लगे इलाके हैं वहाँ पर जो है तत्काल प्रभाव से घेराबंदी की गई। बड़े संख्या पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। 1-to-1 जो है गाड़ियों की चेकिंग की गई, तो तमाम प्रकार की जो है चेकिंगें जरूर की गई, लेकिन फिर भी पुलिस की तमाम प्लानिंग के सामने चोरे जो है अपराधी एक बार सफल रहा और जो है वो वहां से फरार हो गया। बता दें कि फरार होने के करीब 10 से 12 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। जी बने रहिए शिवम हमारे साथ। इसी बीच एक और खबर आ रही है रायपुर से।